सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH-28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ, बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। डीजे पर प्रतिबंध लगने के बावजूद सेवा शिविर में बज रहे डीजे को जब्त करने पहुंची पुलिस और सेवा दल के सदस्यों में हुई झड़प। दूसरी सोमवारी को फरेजा से जलबोझी कर लाखों कवड़िया पहुंचे बाबा गरीबनाथ की नगरी। और सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक पर किराना और हार्डवेयर दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। तो ये थे आज की सुर्खियां आप खबरों के साथ। डीजे पर प्रतिबंध के बावजूद सेवा शिविर में बज रहे डीजे को जब्त करने पहुंची पुलिस और सेवा दल के सदस्यों के बीच जमकर झड़प हुई। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में जलाभिषेक के लिए आने वाले कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाए गए सेवा शिविर में से पुलिस द्वारा डीजे जब्त किए जाने के बाद सेवा शिविर के सदस्य उग्र हो गए और सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा। सेवा दल के सदस्यों का आरोप था कि पुलिस के द्वारा मौखिक आश्वासन के बाद उन लोगों ने साउंड सिस्टम लगवाया था, उसके बाद भी पुलिस बल ने आकर सभी साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया। वहीं कुछ सेवा दल वाले खुद से ही साउंड सिस्टम खोलकर ले जाते दिखे। पूरे मामले को लेकर नगर थाना प्रभारी का कहना है कि पूर्व में ही डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसके बावजूद जिस भी शिविर में डीजे लगाया हुआ था उसे हटाने के लिए कहा गया है। अगर नहीं हटाते हैं तो शिविर संचालकों पर FIR दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व में ही सभी सेवा दल के सदस्यों और सशक्त स्थायी समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि सावन माह में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। इसके बावजूद सेवा दल के सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में साउंड सिस्टम के उपयोग की मांग कर रहे थे। दूसरी सोमवारी पर पुलिस टीम के द्वारा कांवड़िया पथ पर लगाए गए शिविर की जांच की गई और जिस भी शिविर में डीजे लगा हुआ था उसे जब्त कर लिया गया, जिसके बाद सेवा दल के सदस्यों ने बवाल करना शुरू कर दिया। सेवा दल के सदस्यों का कहना है कि अगर हमें डीजे बजाने का परमिशन नहीं मिलता है तो हम लोग सेवा का बहिष्कार करेंगे। किसी सूरत में नहीं बजेगी डीजे। हॉर्न लगाने के लिए 4 हॉर्न का आदेश है, हॉर्न लगाए, डीजे किसी सूरत में नहीं बजे, कहीं से कोई आदेश नहीं। जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या करें? एकदम कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। अब तक कोई डीजे चल की गई है? हाँ, सब हो रहा है। नहीं नहीं, कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डीजे और नॉर्मल साउंड में अंतर होता है। डीजे होता है एक प्रकार का एक बेस बॉक्स होता है जो मोस्फेट से चलता है, वो बहुत पावरफुल होता है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। तो इस बार हम लोगों ने अनुमति ली, प्रशासन से अनुमति लेकर 4 साउंड बॉक्स जो एम्पलीफायर से चलता है वो 4 साउंड बॉक्स बनाने की अनुमति ली है, ताकि हम एक सीमित मात्रा में, सीमित दायरे में साउंड का इस्तेमाल करें, जिसके कारण किसी को भी कोई परेशानी ना हो, यही हम लोग कर रहे थे। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? अब जैसा सारे शिविर वाले एक हो गए हैं, अब सबों ने ये विचार किया है कि हम लोग सेवा को ठप कर रहे हैं, सेवा नहीं देंगे। मंदिर प्रबंधन के द्वारा आप लोगों के साथ बैठक की गई थी, उस समय ये बात तय हुई थी? मंदिर प्रबंधन में मैंने सुना था कि जिला प्रशासन ने डोर टू में कहा था कि डीजे नहीं बजेगा। जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया था कि पूर्व में डीजे नहीं बजाने के, लेकिन हम लोग ने बहुत मध्यम साउंड में ही नहीं, साउंड ही नहीं था हमारे पास, 2 हॉर्न थे, 2 टॉप लगाए हुए थे। तो जिला प्रशासन द्वारा बोला गया कि आप लोग अपना अपना सिस्टम अपना अपना बंद कर लीजिए। क्या बोला गया? लाउड स्पीकर बजाने के लिए बोला गया? बोला लाउड स्पीकर बजाने के लिए और उसके बाद कुछ नहीं करने के लिए। उस द्वारा जिला प्रशासन का आदेश हम लोग ने पीछे कर लिया। अब हमारा ये आदेश, हमारे जितने भी सेवा दल के शिविर लोग हैं, सब लोग एक विचार किए हैं कि शाम के 5 बजे के बाद अपना शटडाउन करके हम अपना सेवा बंद कर देंगे, सेवा नहीं करेंगे। दूसरी सोमवारी को फलेजा से जलबोझी कर कांवड़िया बाबा गरीबनाथ की नगरी पहुंचे, पूरा शहर बोलबम के जयकारों से गूंज उठा। दूसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ धाम पे लाखों कांवड़िया बाबा का जलाभिषेक करने जा रहा है और ये तमाम दृश्य देख सकते हैं कि बाबा गरीबनाथ के प्रति लोगों की क्या आस्था है कि पूरा शिवलिंग का दर्शन कराते हुए
आराम से साउंड के धुन पर, गानों के धुन पर लोग नाचते फिरते आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखते हैं शहर से कांवड़ियों का हुजूम आगे बढ़ता जा रहा है और ये तमाम दृश्य देख रहे हैं। डांस करते रहिए। इतना लंबा दूरी कैसे तय की है? हवा के नाम पूरी कर दी है, कुछ नहीं किया है पैर में, एकदम वहां से चले चलिए। वो जो महिला है पुरुष हो तमाम लोग हो जो इस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं और डीजे के टोन पर ये लंबी देख सकते हो कि जो कांवड़िया कांवड़ है काफी लंबा कांवड़ लेके लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बाबा का जो स्वरूप है शिवलिंग का दर्शन कराते हुए इतने लोग एक लंबे कांवड़ को लेकर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बहुत सबके जयकारों के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये बाबा के प्रति आस्था ये है कि लोग इतने दूर से इतनी लंबी दूरी तय करते हुए आगे बढ़ते हैं। गानों के धुन पर लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो समान लोग हो। जो वो दृश्य देख रहे हैं मनमोहक दृश्य को लेकर लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और बाबा के एक झलक पाने के लिए, क्योंकि दूसरी सोमवारिया अनुमान है कि 2 से 3 लाख कांवड़िया बाबा का जलाभिषेक करेंगे और ये फकुली का नजारा है और जहां तक दूर दूर तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ केसरिया रंग में पूरा इनच रंगा नजर आ रहा है और बोल बम के जयकारों के साथ पूरा वातावरण गूंज उठा है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मटन दुकानदार पर गोलीबारी का मामला निकला फर्जी, खुद की गोली से ही घायल हुआ था मटन दुकानदार, सकरा पुलिस ने किया खुलासा। 300 ग्राम मीट को लेकर हुए विवाद के बाद अपराधी ने खुद को मारी गोली। दरअसल बीती रात करीब 11:30 बजे रात में पुलिस सूचना मिली कि ग्राम सुजावलपुर तथा सभा के बीच में NH-28 सड़क पर सभा निवासी मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ राजू कुरेसी को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई। घायल व्यक्ति को मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उक्त मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी के नेतृत्व में मामले का सफल उद्भेदन हेतु टीम गठित किया गया। टीम को प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि दिनांक 25 जुलाई 2024 को संध्या करीब 8 बजे मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ राजू कुरेसी के द्वारा खरीदे गए 300 ग्राम मीट को लेकर सुजावलपुर के रहने वाले मोहम्मद सिराजुद्दीन के घर पर हथियार के साथ गाली गलौज करते हुए हवाई फायरिंग की गई थी तथा कुछ लोगों के द्वारा बीच बचाव करने पर उन्होंने अपना अवैध पिस्तल अपने शरीर के पीछे कमर में खोस लिया तथा उत्तेजित व्यवहार करने के कारण वह फिसलकर सड़क पर गिर पड़े, जिससे पिस्तल से फायर हो गई और वह जख्मी हो गए। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में इस घटना के संदर्भ में सकरा थाना कांड संख्या 383/2024 धारा आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम एवं पता मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ राजू कुरेसी है, जो सभा गांव के सकरा थाना का है। गिरफ्तार अपराधी कर्मियों के पास से घटना में प्रयुक्त पिस्तल बरामद हुआ है। पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ राजू कुरेसी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। बयान के आधार पर इनके घर से घटना में प्रयुक्त पिस्तल को बरामद कर लिया गया है।
साथ ही विधिवत गिरफ्तारी कर ली गई है तथा घायल अभियुक्त का मां जानकी अस्पताल में इलाजरत है। दिनांक 25/7/24 को स्थानीय थाना सकरा को सूचना मिली कि ग्राम सुजावलपुर तथा सभा के बीच में NH 28 सड़क पर सभा निवासी मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ राजू कुरैशी को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई है और लूट का प्रयास किया गया है। करीब 23:30 बजे सूचना मिली, उसके बाद पुलिस हमारी जांच पड़ताल शुरू की, पता चला कि वे मां जानकी अस्पताल में भर्ती हैं मुजफ्फरपुर में। उप मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और हम लोग ने छानबीन शुरू की, तो मामला प्रकाश में आया कि दिनांक 25/7 को ही मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ राजू कुरैशी के द्वारा 300 ग्राम मीट खरीदा गया था, जिसका नाम था मोहम्मद सिराजुद्दीन। उसी से इनके द्वारा मीट खरीदा गया था, उसी में कुछ आपस में बकझक हुआ था, उसी बात को लेकर के ये राजू कुरैशी उसके घर पर गए थे और उनके द्वारा स्वयं ही सिराजुद्दीन को गाली गलौज करते हुए हवाई फायरिंग की गई थी उनके घर पर। इसी बीच में कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए पहुँच गए, बीच बचाव करने के दरमियान उसका दूसरा गोली जो है ये फंस गया, उसके क्या बोला जाता है, उसका मैगजीन में फंस गया, दूसरी गोली चैम्बर में फंस गया और बीच बचाव करके जब लोग हटाए उसमें वहीं पर गिर गए। गिरने के दौरान वो गोली, दूसरी गोली फायर हो गई और जिससे उनको स्वयं को में गोली लग गई, स्वयं के ये पीछे कमर के पास गोली लग गई, तो वे अस्पताल में जाकर भर्ती हुए। तब हम लोगों ने उस फिर पिस्टल को बरामद करने का प्रयास किया और उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली गई है, वे हॉस्पिटल में अभी हैं, अभी भी इलाजरत हैं। पहले इस घटना को लूट का प्रयास देने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी टीम ने सफलतापूर्वक कांड का उद्भेदन कर लिया है और यह स्पष्ट हो गया है कि उनके द्वारा कोई लूटपाट की घटना नहीं की गई थी। उन्होंने स्वयं एक पिस्टल रख करके दूसरे व्यक्ति सिराजुद्दीन के घर पर जाकर धमकाने का प्रयास किया और फायरिंग की और उसी में दूसरी गोली स्वयं उनके ही अपने ही पिस्टल से लगी है। अपराधी के इतिहास भी रहेगा? अपराधी के इतिहास तो अभी हम लोग पता कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं मिल पाया उनका अपराधी के इतिहास। सर, पिस्टल को लोड करके ही कमर में खोसा गया था कि पिस्टल ये जो है ये लोडेड ही पिस्टल था और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल था, उसमें जैसे ही एक गोली फायर होती है दूसरी गोली ऑटोमेटिक उसके चैम्बर में आ जाती है, तो यही हुआ था। उन्होंने एक गोली फायर कर दिया था और दूसरी गोली ऑटोमेटिक उसके चैम्बर में आ गई थी और उसी लोडेड अवस्था में वो कमर में खोस चुके थे। इसी बीच कुछ ग्रामीणों द्वारा बीच बचाव करने के दौरान वे गिर गए स्वयं और गोली फायर हो गई। पिस्टल बरामद कहाँ से? पिस्टल बरामद उनके घर से कर लिया गया है। सकरा थाना की पुलिस गश्ती के दौरान बोलेरो से 343 लीटर शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। बीती रात सकरा थाने की पुलिस ने गश्ती के दौरान एक बोलेरो से 343 लीटर शराब को जब्त कर लिया, साथ ही गुलशन कुमार को गिरफ्तार किया। दरअसल सकरा थाना गश्ती टीम के द्वारा ग्राम भेरगरहा में छापेमारी करते हुए एक बोलेरो नंबर BR06PA 3211 से 343.8 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामदगी की, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए सकरा थाना कांड संख्या 389/2024 धारा 30A/32 36 के तहत मामला दर्ज कर गुलशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराध कर्मी के पास से बरामद सामान विदेशी शराब 343.8 लीटर, एक बुलेरो जिसका नंबर है BR06PA 3211, पकड़ाए हुए अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। एक भरगरहा गांव के पास एक बुलेरो जिसका नंबर BR06PA 3211 है, उस पर चेकिंग के दौरान 343.08 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामदगी की गई है, जिस संबंध में सकरा थाना कांड संख्या 389/24 दिनांक 28/7/24 धारा 30A 32 1236 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है तथा इसमें गिरफ्तार अपराधी गुलशन कुमार, पिता मनोज राय, साकिन भेरगरहा थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर को बोलेरो के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। अभी हम लोग पूछताछ इस पर कर रहे हैं, इस पर गहराई से इनके पीछे जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हैं उनको हम लोग
पता करेंगे और उस पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। बाबा गरीबनाथ धाम में पहुंचने वाले कावड़ियों की सेवा के लिए कई वर्षों से सेवा दल निस्वार्थ भाव से कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं। कावड़ियों की सेवा करते दिखे सेवा दल के सदस्यों से लेकर खास लोग सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए शनिवार को पहलेजा से जल लेकर कावड़िया गरौल और तुड़की तक पहुंचे। यहां लगे शिविर में कावड़ियों ने विश्राम किया। रविवार की अहले सुबह वे लोग बाबा गरीबनाथ नगरी में प्रवेश करेंगे। तुर्की में कावड़ियों का आना लगातार जारी रहा। पहले चलने वाले कुछ कावड़ियों रामदयालु तक पहुंचे और सेवा शिविर में जगह ली। इस बार काफी संख्या में कावड़ियों ने पहलेजा से जल बोझी की है। शिविर संचालकों का कहना है कि गरौल से रामदयालु तक रात भर कावड़ियों का तांता रहेगा। रामदयालु तक के सेवा शिविर में कावड़ियों के आश्रय सहित भोजन पानी और मेडिकल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन का भी जगह जगह पर पुलिस शिविर मुस्तैद है। मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कावड़ियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर भी निर्धारित जगहों पर लगाए गए हैं। कावड़ियों के लिए लगाए गए सेवा शिविर में आम से लेकर खास लोगों तक ने कावड़ियों की सेवा की। मतलब क्या कैसे बताया, सब दिन ही हमारे पास काफी उत्साह का माहौल है, पवित्र माहौल है। सावन महीना, ये सोमवार और ये महाकाल सेवा दल, वंदे मातरम सेवा दल, यहाँ पे मैं वंदे मातरम सेवा दल के तत्वाधान में जो निःशुल्क कांवड़िया शिविर लगा मैं उस पर भी बैठा हूँ, यहाँ पे सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ पे जो माहौल है देख सकते हैं, वंदे मातरम सेवा दल के जो बच्चे हैं कितने बढ़िया से सेवा कर रहे हैं, बिना किसी लश के कितना बढ़िया से वो लोग सब कुछ सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, खाना पीना भी खिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसका कि आप देख रहे हैं 1350 संख्या है वंदे मातरम सेवा मंच के पदाधिकारी और सदस्यों का। विगत 6 वर्षों से शिव भक्त जो पहलेजा से जल लेकर के बाबा गरीबनाथ की धरती मुजफ्फरपुर की धरती पर आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, उनके सेवा में किसी प्रकार का कसर न रहे इस उद्देश्य से वंदे मातरम सेवा मंच के सदस्य पदाधिकारी यहाँ पूरी तत्परता से लगे हैं। और लगने का नतीजा है जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि रामदयालु सिंह स्मृति भवन में बिहार स्टेट जूनियर कुरास चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 4 अगस्त को सहारनपुर में आयोजित होने वाली नेशनल कुरास सब जूनियर चैंपियनशिप के लिए बिहार के जिलों के खिलाड़ी रविवार को मोतीझील स्थित रामदयालु सिंह स्मृति सभागार में आयोजित बिहार स्टेट सब जूनियर कुरास चैंपियनशिप में शामिल हुए। बिहार कुरास एसोसिएशन के सचिव प्रशांत तिवारी ने बताया कि रविवार को मुजफ्फरपुर में रामदयालु स्मृति भवन में हुए बिहार स्टेट सब जूनियर कुरास चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का चयन 4 अगस्त को सहारनपुर में आयोजित होने वाली नेशनल कुरास सब जूनियर चैंपियनशिप के लिए होगा। उन्होंने बताया कि पटना, गया, भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सहित कुल 11 जिलों के खिलाड़ियों ने आज चैंपियनशिप में भाग लिया। उज्बेकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कुरास अब बिहार में धीरे धीरे फेमस हो रहा है और बिहार की खिलाड़ी भी इस गेम में पदक और नाम दोनों अर्जित कर रहे हैं। जिलों के खिलाड़ी यहाँ पे हैं जिसमें पटना, भागलपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सिवान इत्यादि जिलों से आए हुए हैं। जी वन एक दिवसीय मैच है, ये आज शाम तक फाइनल होगा। 4 अगस्त को सहारनपुर में नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप है जिसकी चयन प्रतियोगिता है, साथ में चैंपियनशिप है। जो भी बच्चे यहाँ स्वर्ण पदक जीतेंगे वो 4 अगस्त को नेशनल खेलने सहारनपुर जाएंगे। कुरास गेम है, ये उज्बेकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है और एशियन गेम्स में शामिल है। 2018 में एशियन गेम्स में इंडिया को 2 पदक आया था, तब से ये बहुत लोकप्रिय हो चुका है और बिहार राज्य में भी बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। सारे राज्य से खिलाड़ी आए हुए हैं, इस बार स्कूल गेम्स टीमें जाएंगी यहाँ की। दूसरी सोमवारी को कांवड़ियों की सेवा करने के उद्देश्य से महाकाल सेवा दल कांवड़िया शिविर का भव्य शुभारंभ किया गया। महाकाल सेवा दल की ओर से आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में दूसरी सोमवारी पर निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलन मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इसमें मौके पर मुख्य अतिथि नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, महापौर निर्मला साहू, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा गोपाल फलक, बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी विनय पाठक, वार्ड नंबर 30 पार्षद सुरभि शिखा, संजय पंकज, महंत अभिषेक पाठक, डॉक्टर सतीश कुमार साथी, डॉक्टर विजेश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर नवीन कुमार, संतोष साहेब, जिसमें कांवड़ियों के लिए गर्म पानी, ठंडा पानी, नींबू चाय, भोजन, सत्तू, फल, पेयजल एवं प्रसाद रूपी भोजन आदि की व्यवस्था की गई।
साथ ही संध्या में भक्तों के लिए भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और महाकाल की झांकी का दर्शन भी हुआ। शिविर में सदस्यों एवं पदाधिकारियों एवं सफाई मित्रों को अंग वस्त्र उठाकर सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, संरक्षक रमेश रत्नाकर, अध्यक्ष आकाश चौधरी, संस्थापक नथुनी महतो, मुख्य सचिव अजीत पटेल, साथ ही मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी मौजूद थे। आज मैं आई हूँ अम्बोला में महाकाल सेवा दल के शिविर का उद्घाटन था। उससे पहले समस्त जनता को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भोले बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी को सुख समृद्ध रखें। इसके साथ ही महाकाल सेवा दल के सभी सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं दी, क्योंकि ये हर एक साल इस तरह सेवा करते आए हैं, आगे भी करते रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और इसके जो अध्यक्ष है आकाश जी, अपने बीच अभिषेक पाठक जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। महंत अभिषेक पाठक जी पर जोरदार ताली। महाकाल के लिए महाकाल सेवा दल गरीबनाथ सेवा दल का एक अंग है, और उसके आधा सदस्य मंदिर के पास रहते हैं, आधा सदस्य जहाँ रहते हैं जहाँ कमरियों की सेवा हो, अब वहाँ कारियों और भक्तों दोनों की सेवा हो, इसी के लिए हमें बुलाया गया। मैंने उद्घाटन किया और सबको आशीर्वाद दिया है, आप तन मन धन से कमरियों को सेवा में लगे, आप लगे रहे। महाकाल सेवा दल का उद्घाटन था और सम्मान समारोह था, जिसमें शहर के कई वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हुए हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, ये सब कोई शामिल हुए हैं। और ये महाकाल सेवा दल एक ऐसा सेवा दल है जो कि हर आपदा में, हर खुशी में, हर दुख में महाकाल सेवा दल तत्पर रहता है। एक एक सदस्य, एक एक पदाधिकारी इसके, और मैं यही बाबा गरीबनाथ से कामना करता हूँ कि सारे सदस्य और पदाधिकारी पे बाबा गरीबनाथ की कृपा बना रहे और हम सबों का आशीर्वाद इन पे बना रहे हैं। सब सेवा दल में सबसे ज्यादा एक्टिव यही रहता है। देखिए, सबसे ज्यादा एक्टिव तो हमारे सारे सेवा दल वाले रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग महाकाल सेवा दल हर साल करते आता है, जिस कारण से इनको सबको ही को लगता है कि ये अलग ही। महाकाल सेवा दल के द्वारा आमगोला सुबह आमंत्रण विवाह भवन में कांवड़िया लोगों के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें निःशुल्क भोजन, स्वास्थ्य, गर्म पानी, चाय, नाश्ता, ये सभी चीज़ की व्यवस्था की गई है। और अभी सुबह 8 बजे से कल के सुबह 10 बजे तक महाकाल सेवा दल के 1600 स्वयं सेवक बाबा के भक्तों की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। आज ये महाकाल सेवा दल के शिविर का उद्घाटन बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक जी के द्वारा, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, कवि संजय पंकज जी, सतीश कुमार साथी जी, गोपाल फला। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक पर किराना और हार्डवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी, करोड़ों का हुआ नुकसान। मुजफ्फरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण एक बड़े किराना दुकान में भीषण आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने देखते ही देखते पूरे बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत ये रही कि सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और दुकान के ऊपर घर में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर घर से बाहर निकाल दिया, नहीं तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक स्थित संत लाल किराना स्टोर का है, जहाँ रविवार की अहले सुबह घर में सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर दिया। वहीं दुकान के ऊपर बने घर में सो रहे लोगों को जब तक इस बात का पता चलता तब तक आग ने पूरी तरह दुकान को अपने आगोश में ले लिया और सब कुछ जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि पास में ही कांवड़िया पथ होने के कारण अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके से महज कुछ ही दूरी पर लगी हुई थी, जो सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची और दुकान के ऊपर घर में आग के बीच फंसे लोगों का सबसे पहले रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तब तक अग्निशमन विभाग की 5 बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक पूरी दुकान और घर पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के तमाम वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले का जायजा लिया। वहीं पूरे मामले को लेकर जब अग्निशमन विभाग के डीएसपी त्रिलोकी नाथ ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की स्थित एक किराना दुकान में आग लग गई है,
जिसके बाद मौके पर अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियों को भेजा गया। वहीं कई घंटों के मशक्कत के बाद अब अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात आ रही है। इस आग लगी की घटना में करोड़ों रुपए का सामान का नुकसान बताया जा रहा है। ठीक लगा कि फ्यूज उड़ गया होगा, तो जैसे ही रूम खोले ना तो धुआं धुआं लगा, धुआं दिखा। रूम खोलने के बाद रूम ऐसे पैक था, रूम खोले तो धुआं धुआं दिखा, जब देखे तो महक रहा है जलने का, तो कोशिश किए नीचे जाने का, तो इतना धुआं था कि नहीं जा पाए। उसके बाद जो बच्चा सब था सबको जल्दी जल्दी उठवाएं और बगल में छत के सहारे हम सबको। हाँ, उस समय जितना धुआं था उस समय से लग गया कि इसमें सांस लेना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए सबको पहले हम बाहर निकलवाएं, दूसरे छत पर, दूसरे छत बगल वाला छत है उस पर भेजवाएं। उसके बाद हम फिर वापस गए देखने कि कहाँ हो सकता है हम उसको बुझा दे, ज़्यादा नहीं हो। लेकिन जब गए तब था आग लगा हुआ था, पानी 2-3 बाल्टी हम पटाए, लेकिन इतना धुआं था कि हम वहाँ मैंने होता है ना बेहोश टाइप के हो गए, गिरने गिरने हो गए। लेकिन अब लगा कि अब हम नहीं रुक पाएंगे, तो फिर वहाँ से हम निकले, जैसे तैसे हम निकले। 2 बजे रात में हम लोग को सूचना मिली कि कच्ची पक्की चौक पे एकदम जस्ट चौक के बगल में ही एक किराना दुकान में आग लगी है। तो तुरंत हमारा, चूँकि अभी प्री पोजिशनिंग पोजिशन में ही गाड़ी रहती है कांवरिया पथ को लेकर, तो विद इन 5 मिनट्स में हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच गई, एक गाड़ी तक था। तो उसके बाद जो है, लेकिन गाड़ी पहुँचने के बाद जब हम लोग पहुँचे तो आग भयावह हो गया था और काफ़ी मशक्कत हम लोग को करनी पड़ी। मशक्कत इस सेंस में करनी पड़ी कि आग कोई बहुत बड़ा क्षेत्र में नहीं लगा, एक ही मकान में लगा था जिसमें एक किराना स्टोर था और एक हार्डवेयर, संतलाल हार्डवेयर एवं किराना स्टोर करके एक ही मकान में था, भूतल पे ये था, ऊपर में लोग रहते थे। तो हमने उसके मकान के मालिक मनीष जी से वार्ता की, मैं उनको बताया कि आग कैसे लगी बताइए आप, क्योंकि 2 बजे रात में आपके, तो बोले कि सर हम लोगों को कुछ घुटन महसूस हुआ, तो नीचे आके देखे तो धुआं हल्का उठ रहा था। तो सबसे पहले हम लोग इवैक्यूएट किए, अपने बच्चे सबको हटाए, तो इससे ये हुआ कि हमारे किसी जान की क्षति नहीं हुई, लेकिन आग को कंट्रोल करने में हम लोग को 3-4 घंटा लग गया, क्योंकि एकदम कंजस्टेड इलाका था और अंदर में चावल की 20-25 बोरी रखी थी। तो आग जो है सो काफ़ी फैल गया था अंदर अंदर ही। तो हम लोगों ने करीब 5 बड़ी गाड़ी हमने तुरंत लगा दिया, क्योंकि हमें डर था कि कहीं आस पड़ोस ना आग फैल जाए, इसलिए 5 गाड़ी की जरूरत उतना नहीं थी, टाइम लग सकता था, लेकिन हमने जानबूझ के 5 गाड़ी, बड़ी गाड़ी, 4 छोटी गाड़ी, 9 गाड़ी एक साथ हमने ऑपरेशन किया और उसको कंट्रोल कर। कितने घंटे की मशक्कत के बाद? 4 घंटा लग गया हमको, क्योंकि उसको धीरे धीरे आगे बढ़ना था। तो अंदर में हमारे भी कर्मी थे, पूरे प्रिकॉशन के साथ जाते थे, अंदर धुआं भरी थी, एकदम कंजस्टेड, बहुत गैलरी टाइप का था, गोदाम था, तो उसमें एक साथ हम नहीं घुस सकते थे। कितने की क्षति हुई होगी? देखिए, क्षति का आकलन तो अभी किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग अभी 2 घंटा पहले वहां से लौटे ही हैं रात भर चढ़ के, तो क्षति का आकलन जो है सो बाद में अभी। अच्छा, आग लगने के बाद जो है फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं उनके द्वारा रेस्क्यू भी किया गया, क्योंकि ऊपर लोग फंसे। हाँ, रेस्क्यू नहीं, हम लोग के जाने से पहले वो लोग छत से, एक छत से दूसरे छत, नीचे नहीं आ सकते थे। एक संजोग वहाँ अच्छा था कि एक छत और दूसरा छत सेम पैरेलल में सटा हुआ था, तो वो छत से उस छत चले गए। दोस्तों, चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इंपोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे।
हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। आरोग्य समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में, हरी डिस्काउंट से हमारे यहाँ सोफा पर डाइनिंग टेबल पे। सो सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर एनएच के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल रेन डांस के साथ भव्य वॉटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम, हम हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहां आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्जवल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतर हाट, सैनिक स्कूल, सुमूल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है, साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्जवल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी का कहना है कि उनकी हत्या कराने के इरादे से नियम विरुद्ध निलंबन किया गया। प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने आज दामुकचक स्थित अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, मेरी हत्या कराने के इरादे से नियम विरुद्ध निलंबन मुख्यालय सकरा में तय किया गया। शिक्षा विभाग के घोटालेबाज पदाधिकारी पहले मेरी जान लेना चाहते थे, जो नहीं ले सके तो नौकरी ले ली। मेरी बर्खास्तगी लोकतंत्र की हत्या है जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उक्त बातें परिवर्तनकारी उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि शिक्षकों के सम्मान के लिए अपनी नौकरी कुर्बान कर दी किंतु झुके नहीं। शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए जान भी देनी होगी तो तैयार हैं। इस मौके पर विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में उनके आवास पर पहुंचे शिक्षक प्रतिनिधियों ने बैठक की और श्री वंशीधर ब्रजवासी की बर्खास्तगी को 1 सप्ताह के अंदर वापस लेने की राज्य सरकार से मांग की। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद यादव,
प्रवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष विजय कुमार सिंह, महासचिव अनिल कुमार सिंह, पूर्णिया जिला अध्यक्ष अरुण, वैशाली जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान, सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष राम क्लेवर, महासचिव राजेश कुमार आदि ने कहा कि घोटालों के विरुद्ध आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला संविधान पर हमला है। सभी जिलों में बेंच डेस्क से समरसिबल प्री फैब स्ट्रक्चर निर्माण, बैग थाली की आपूर्ति, स्कूलों की मरम्मती के नाम पर राज्य का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी सीबीआई से जांच की मांग की। नेताओं ने घोटालों में एक और नया घोटाला उजागर करते हुए कहा कि पूर्णिया जिले में प्रत्येक कमरा वार 33,000 का फर्जी एस्टीमेट बनाकर बिजली वायरिंग के नाम पर करोड़ों का लूट हुआ है। जो वाउचर ट्रेजरी में भेजे गए उस पर प्रधानाध्यापकों के हस्ताक्षर फर्जी हैं। एक एक वाउचर की जांच होगी तो सारा घोटाला सामने आ जाएगा। साफ साफ कहा कि किरकिरी होने के डर से सरकार के दबाव में जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही है। सभी नेताओं ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों को प्रताड़ित करने और नीचा दिखाने के लिए ई शिक्षा कोष ऐप से हाजिरी बनवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐप से हाजिरी की व्यवस्था वापस ले ली है। बिहार में सरकार तानाशाही कर रही है। ऐप से हाजिरी को वापस नहीं लिया गया तो पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन होगा। शिक्षक अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अपनी सही बात रखने के लिए शिक्षकों की बर्खास्तगी लोकतंत्र की हत्या है। स्वतंत्रता के समय लाखों लोगों ने इसीलिए बलिदान दिया था कि हम सही बोलेंगे, सही काम करेंगे, लेकिन कोई आरोप बर्खास्तगी में नहीं है। सिर्फ है कि असंसदीय भाषा का प्रयोग। ये असंसदीय भाषा क्या होता है? क्या घोटालेबाज को घोटाला कहना असंसदीय भाषा है? हम जिस घोटाले की मांग कर रहे हैं, बैग घोटाला, थाली घोटाला, बैंक से घोटाला, स्ट्रक्चर घोटाला, आप उसकी जांच करा लीजिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम पर कार्रवाई कीजिए, अगर सही है तो जो पदाधिकारी है इसमें सम्मिलित है उन पर कार्रवाई किया जाए। और तो बिहार के तमाम शिक्षक और शिक्षा प्रेमियों के तरफ से यह जो कार्रवाई की गई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि एक सप्ताह के अंदर वह इसको वापस ले। अंत बिहार के विद्यालय से लेकर के राजधानी तक जबरदस्त आंदोलन होगा, अगस्त में होगा जबरदस्त आंदोलन। पूरे बिहार के शिक्षक मेरे आवास पर आज जुटे अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए और सारे लोग हमारे साथ हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संरक्षण में शिक्षा विभाग में 2,000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है और ये बेंच डेस्क के नाम पर लूट है, समरसेबल के नाम पर है लूट है, प्रीफैब स्ट्रक्चर के नाम पर है, बैग के नाम पर घोटाला है, थाली के नाम पर घोटाला है, सारी योजनाओं में घोटाला है। और घोटालों को छिपाने के लिए प्रतिदिन शिक्षकों पर नया नया फरमान और जो शिक्षक इसका विरोध करते हैं उनको डिसमिस किया जा रहा है, मुझे बर्खास्त किया गया है। और हम ये बर्खास्तगी का मेडल आपको दिखा रहे हैं, ये बर्खास्तगी का मेडल है हमारे लिए और पूरे बिहार में हम लोग बेनकाब करेंगे, इनके घोटाले को उजागर करेंगे। ये आम आवाम सबको ही देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये घोटाले किए जा रहे हैं। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, राज्य का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और घोटालों के खिलाफ हम बोलने के कारण शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है या लोकतंत्र की हत्या है? लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी व्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता अपनी बात रखने की। हमने कोई असंसदीय बात नहीं कही थी, हम पर आरोप लगाया गया जो आप देख रहे हैं यह मेडल, इसमें दूसरा कोई लांछन नहीं है, एकमात्र लांछन है असंसदीय भाषा का प्रयोग। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री और सरकारी दल के नेता हैं, आप कोई भी बताइए कि हमने कौन से संसदीय बात कही है। और ये जो मिस्टर मोगैम्बो को शिक्षा विभाग में जा दूसरी सोमवारी को लेकर कल्पना सेवा दल द्वारा कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। कल्पना सेवा दल की ओर से छोटी कल्याणी में दूसरी सोमवारी पर निःशुल्क कांवड़ियां सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें कांवड़ियों के लिए गर्म पानी, ठंडा पानी, नींबू चाय, भोजन, सत्तू, फल, पेयजल एवं प्रसाद रूपी भोजन आदि की व्यवस्था की गई। साथ ही संध्या में भक्तों के लिए भव्य झांकी का आयोजन किया गया। कल्पना महावीर मंदिर बोलबम सेवा समिति विगत 74 साल से बाबा के भक्तों की सेवा करती आ रही है। इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ इस शिविर के तमाम सदस्यगण जो है कांवड़िया बंधु की सेवा में जुटे हैं। हमारे शिविर में ठंडा पानी, गर्म पानी, नींबू पानी, चाय, शरबत, बिस्किट और इसके अलावा भोजन का भी प्रबंध है।
भोजन का प्रबंध हम लोग तीसरी सोमवारी को रख रहे हैं। तीसरी सोमवारी में इससे भी पर्याप्त रूप में अच्छी व्यवस्था रहेगी। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए सारे शिविर के सदस्यगण जो है उत्साह से भरे हुए हैं, उमंग से भरे हुए हैं, बाबा के भक्तों की सेवा करने के लिए पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ तैयार। कैंप लगाया गया जी, चिकित्सक कैंप भी लगाया गया। हाँ, मेडिकल सुविधा भी हमारे यहाँ देख सकते हैं, मेडिकल सेवा भी है। जो इन कांवड़िया भक्तों को शारीरिक कष्ट हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, पांव में छाले पड़ जाए या अन्य किसी प्रकार का कष्ट हो, हर प्रकार से हमारे शिविर में मेडिकल सेवा जो है पूरी तरह से निःशुल्क है। रामदयालु स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में बाबा गरीबनाथ सेवा दल द्वारा कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। बाबा गरीबनाथ सेवा दल की ओर से रामदयालु स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में दूसरी सोमवारी पर निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें कांवड़ियों के लिए गर्म पानी, ठंडा पानी, नींबू चाय, भोजन, सत्तू, फल, पेयजल एवं प्रसाद रूपी भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही संध्या में भक्तों के लिए भव्य झांकी का आयोजन किया गया। शिविर में बाबा गरीबनाथ सेवा दल रामगढ़ परिवार के शिविर में निःशुल्क कांवड़िया के लिए सत्तू, चाय, बिस्किट, शरबत, मिक्सिंग और सूप खाने का व्यवस्था किया गया है। चावल, दाल, सब्जी, घी, पापा तिवारी का व्यवस्था किया गया है। उनके लिए उत्तम रहने का भी उसमें व्यवस्था है और उनके लिए मसाज के लिए बच्चे भी जो भी सदस्य पदक होता है वो भी मसाज कर रहे हैं, उनके शरीर को थकान को दूर कर रहे हैं। और चिकित्सा में से भी बड़े पदकार लोग आए हुए हैं, वो भी हमारे साथ हैं। महाकाल की मूर्ति लगाई गई है मूविंग के द्वारा, क्या दर्शाया जा रहा है? यही दर्शाया जा रहा है कि जब जब धरती पे अत्याचार बढ़ेगी तब तक माँ पार्वती माँ दुर्गा माँ सीता वाली प्रकट होगी और अच्छा के बदला प्रकट करेगी। कहाँ पर लगाए हैं शिविर? ये हमारी किसी शिविर कहाँ? ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ द्वारा सकरी सरैया में कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने रविवार को सकरी सरैया में निशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर के माध्यम से ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा कर्मचारी संघ दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ को जलाभिषेक के लिए पहुँचने वाले कांवड़ियों की निशुल्क सेवा करेगी। मौके पर अध्यक्ष एआर अन्नू ने बताया कि कांवड़ियों की सेवा के लिए हर जरूरत की चीजें यहां उपलब्ध हैं। कांवड़ियों के लिए पानी, चाय, बिस्किट, नाश्ता और खाना सब संघ के द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल की टीम भी अपने दवा के साथ यहाँ मौजूद है। जो कांवड़ियों को इनकी आवश्यकता होगी वो इनकी मदद आसानी से ले पाएंगे। अध्यक्ष ने बताया कि हमारा एक ही प्रयास है कि जो भी कांवड़िया यहाँ बाबा गरीबनाथ को जल अभिषेक के लिए आते हैं उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। गरीबनाथ मंदिर तो उसपे लोग जो जल चढ़ाने के लिए आते हैं कि बहुत पुण्य का काम हम लोग टेम्पो यूनियन के द्वारा किया गया है। इनको साथ साथ मीडिया के लोग कि आपके द्वारा संदेश पूरे देश में जाएगा कि समाज में कितना समरसता है और हर एक दूसरे से मिलके हम लोग जुड़े हुए हैं। सारे लोग, सारे धर्म के लोग इस पुण्य काम में या जो भी होता है उसमें हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। कांवड़िया सेवा बहुत धर्म का काम है, बड़ा पुण्य का काम है। सालों से लग रहा है ये कांवड़िया सेवा, तो बहुत दिनों से लग रहा है। मैं व्यक्तिगत अपना बतला दें कि हम 15 साल पैदल 68 से यहाँ जल चढ़ाए, उसी का फलाफल है कि सब कुछ है बाबा गरीबनाथ के कृपा से मिला। तो इनका बड़ा धर्म किया गया है। आज कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन यहाँ पे किया गया, हमारे गार्जियन उदय शंकर सर यहाँ पे उद्घाटन किया। यहाँ पे मुजफ्फरपुर टेम्पो यूनियन की तरफ से मोहम्मद इलियास भाई, निजाम भाई और अन्नू भैया और बाकी सब सहयोगियों की तरफ से, सब लोग की तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छा जी पूरे मुजफ्फरपुर ऑटो यूनियन ई रिक्शा चालक सब लोग की तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छा निःशुल्क चिकित्सा शिविर और एक अच्छा यहाँ पे शिविर लगाया गया। एक मिसाल है, ये एक सामाजिक सौहार्द का एक मिसाल है जो यहाँ पे पेश किया जाता है। हर साल की बात है, इस बार बड़े अच्छे से यहाँ पे किया जा रहा है सेवा शिविर और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। शिविर का उद्घाटन हुआ है, हमेशा ऑटो रिक्शा
चालक संघ और ई रिक्शा चालक संघ का हम लोग का काम ही है सेवा का भाव, सेवा करना हमेशा सालों भर हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस बार कमरिया सेवा शिविर का आयोजन किया है, उसमें जो हमारे सभी संगठन के साथी हैं, जो चालक हैं, वो सब आमंत्रित हैं। साथ ही हमने इस कार्यक्रम के जो है उद्घाटन के लिए अपने बड़े भाई उदय भाई को भी आमंत्रित किया था, जो आए उद्घाटन किए हैं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर गौरव वर्मा जी भी आए हैं और हमारे सभी साथी भी हैं जो संघ के पदाधिकारी हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई के साथ साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर बाबा गरीबनाथ की असीम कृपा हम लोगों पर बनी रहे, जो हम लोगों का संगठन भी आगे बढ़े, टेम्पो चालक भी आगे बढ़े, टेम्पो चालक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।